अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने काफ़ी शॉपिंग जो है ना वो की है, लेकिन अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि एक व्लॉग जो है वो शॉपिंग का शेयर कर दूंगी आपके साथ, और उसके बाद फिर से जो डेली व्लॉग्स होते हैं वो शेयर करूंगी और फिर से शॉपिंग का, ताकि एक ही चीज़ आपको लगातार ना देखनी पड़े। तो अभी जो मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ, ये सिर्फ ज्वेलरी की शॉपिंग जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने ज्वेलरी खरीदी है। और ये वैसे ना काफ़ी ज़्यादा ही मुझे लगता है कि मैंने खरीद ली है, लेकिन अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इतनी की प्राइस की ना एक आध चीज़ आती है किसी अच्छी शॉप से, और जितने की मैंने ये तकरीबन 15-16 चीज़ें ली हैं, क्योंकि प्राइस इनकी बहुत ही रिजनेबल थी। और मुझे ये था कि चलो इतनी चीप हैं तो लेते हैं, ट्राई करते हैं, अगर अच्छी निकली तो फिर और ले लेंगे, अगर नहीं अच्छी निकलेगी तो फिर ये है कि प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर इतना दुख नहीं होगा स्पेंड करने का कि हमने बहुत ह्यूज अमाउंट जो है ना वो स्पेंड की थी तो वो चीज़ें अच्छी नहीं निकली। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आपको मैं वन बाय वन करके सब कुछ दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था और कैसा। तो सबसे पहले तो ये देखें जी, ये है मेरे पास एक अदद नेकलेस कह लें, बहुत प्यारा सा है, डिफरेंट सा है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कोई भी 2 पाउंड से ऊपर चीज़ नहीं है, और प्राइस के लिहाज से अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो बिलीव मी बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्राइमार्क से तो कहीं ऊपर क्वालिटी है इनकी। और ये सारी चीज़ें मैंने वैसे शीन से ली थी, मेरा पहले माइंड नहीं था कि मैं ज्वेलरी लूंगी, लेकिन मैंने जब ईद वाले दिन हम अपने गए थे ना आंटी की तरफ दावत पे, तो उन्होंने ज्वेलरी पहनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से लिया, कहते हमने शीन से लिया। इनका ओके, फिर तो मैं भी लाजमी ऑर्डर करूंगी। तो फिर इसलिए मैंने ना हिम्मत करके ऑर्डर कर लिया कि चलें देखते हैं, अगर उनकी अच्छी है तो फिर मेरी भी जाहिर सी बात है अच्छी ज्वेलरी मुझे भी मिल जाएगी। तो ये मुझे जो लंबे लंबे होते हैं ना नेकलेस, वो पहनने का बहुत शौक था, पेंडेंट कह लें, नेकलेस कह लें, हार शार जो बोलना है। तो ये काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश कपड़ों के साथ, फिटिंग वाले कपड़ों के साथ इस तरह के पहने तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कमर से नीचे, मतलब फिटिंग से नीचे आ जाते हैं। इस तरह से पास करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको क्वालिटी का पता चल सके। ये देखें, ये भी 2 पाउंड से ऊपर नहीं है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो भी जिसके लगा हुआ है ना स्टोन सा, ये भी बहुत मज़े का, मतलब गुड क्वालिटी का है और हैवी भी है। और ये जो इसकी चेन है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखें, टूटने वाली नहीं है, बहुत नाजुक सी प्यारी सी है, लेकिन इतनी नाजुक नहीं है कि ये टूट जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस के लिहाज से तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। ये हो गया जनाब, एक सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद ये एक और नेकलेस है। पहले मैं आपको नेकलेस की जो है वो दिखाती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। एक ये है जनाब, ये भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है, ये देखिए। और इसकी जो अच्छी बात है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, करके दिखाती हूँ बल्कि, क्योंकि इसकी तरफ, बैक की तरफ ना ये चीज़ लगी हुई है इस तरह से, और ये जो इसके नीचे लटक रहे हैं ना, ये दो, इनको आप खींचते जाएं नीचे की तरफ, ये देखें, तो ऊपर से ये तंग हो जाएगा, अगर आपने बिल्कुल नेक के साथ इसको जोड़ के रखना है तो भी कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से इसको और ऊपर आप कर सकते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये नेक के बिल्कुल पास आ जाएगा और ये वाला नीचे लटकता रहेगा। अगर आपने ऐसे करना है कि सबको नीचे करना है और ज़्यादा लंबा करना है तो भी आप यहाँ पर इसको कहीं भी, मतलब एडजस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखें जी, क्वालिटी चेक करें आप ज़रा, बहुत प्यारा है ये भी, और इसकी भी सेम वैसी ही चेन है जिसकी, जैसी के इसकी थी। तो ये जनाब दो हो गए, शायद तकरीबन सिमिलर ही है, क्योंकि मुझे जो लंबे होते हैं ना वो पहनने का शौक था, इसलिए मैंने लंबे भी ऑर्डर किए थे। और एक है जनाब ये वाला, ये उन दोनों से छोटा है लेकिन बहुत एलिगेंट सा, सिंपल सा और बहुत प्यारा लगता है ये भी। ये देखें, ये भी एडजस्ट हो सकता है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये इतना स्मूथली वर्क करता है, अगर आप इसको नीचे भी करें तो ज़रा इसकी आवाज़ नहीं आती, फील भी नहीं होता। ये देखें इस तरह से, इस तरह से इसकी कुछ क्वालिटी है, आप देख सकते हैं, तो ये भी बहुत प्यारा है। इसके साथ की तो मैंने ब्रेसलेट भी ली है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके।
और अभी जो लास्ट है वो कौन सा है, ये वाला है जी। अभी सारे खोलने वाले थे, मैंने सोचा कि आपके साथ ही इनको खोलती हूँ, देखती हूँ। एक ये है, ये भी थोड़ा बड़ा है। इन तीनों के मुकाबले में इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी हल्की है, लेकिन ये भी 1 पाउंड का था तो फिर मुझे नहीं लगता कि बुरी है। तो ये इन तीनों के मुकाबले में थोड़ा सा, ये कह सकते हैं कि आप, ये डाउन है लेकिन इतना भी नहीं है, बहुत अच्छा है ये भी। इसकी चेन थोड़ी डिफरेंट है, ये देखें। और जो ये वाला है इसका, वो इस तरह से है। जो इसका ये वाला है ना हिस्सा, ये काफ़ी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छा है, ये देखें। और इसकी जो बैक है वो ऐसी है। मैं पहले इसलिए ऑर्डर नहीं करती थी कि उनके ऊपर ज़्यादातर लिखा होता है कि प्लास्टिक का था, तो मैं सोचती थी कि प्लास्टिक की ज्वेलरी तो होती नहीं, वो तो अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्लास्टिक के वैसे है नहीं, जिस तरह की ज्वेलरी होती है सेम वही इनका मटीरियल है। तो जनाब ये हो गए 4, ये मैंने 4 ऑर्डर किए थे इस तरह से। नेकलेस तो हमारे हो गए कम्प्लीट। उसके बाद जी जो ब्रेसलेट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो नेकलेस था ये वाला, इसके साथ मैच करती है। वैसे ये एक साथ मैंने ऑर्डर नहीं की थी, अलग अलग की थी, ये भी थी और ये भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों मिल जाएंगे, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि ये भी ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये भी कोई 1 पाउंड का था या 99 पेंस का, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी प्राइस नहीं थी, तो ये भी एडजस्ट हो सकता है। इसको आपने इस तरह से खींचना है, पहनना है, और फिर इसको आपने जितना टाइट करना हो वो कर लेना है। ये देखें जिस तरह से, तो ये काफी प्यारे लग रहे थे मुझे, बहुत प्यारा ये भी। बहुत ही सिंपल सा लेकिन काफी ये प्यारे लगते हैं। तो एक हो गई ये वाली, वैसे ज्यादातर गोल्डन और सिल्वर ही मैंने ऑर्डर की थी। के बाद ये एक ये वाला है, ये भी वैसा ही तकरीबन जो कि मैंने पहले दिखाया था, लेकिन इसमें ये गोल्डन है, उसमें थे पर्ल्स जैसे होते हैं वो थे, और यहाँ पे इसके ये हार्ट बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। ये भी वैसे ही एडजस्ट होता है, आप पहने और इसको बाद में आप टाइट कर सकते हैं, ये देखें जी, जितना भी आपने करना हो। मैंने ज़्यादा ही टाइट किया ताकि आप इसको आसानी से देख सकें, ये देखें जी, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। तो ये हो गए 2। ये है, ये भी गोल्डन कलर में है, लेकिन ये है कि इनके जो डिजाइन है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन है गोल्डन। ये भी सेम वैसा ही है, बस इसके ऊपर इस तरह की डिजाइनिंग जो है वो हुई है। इसको भी सेम आपने वैसे ही पहन के फिट कर लेना है इस तरह, ये देखिए जी, बहुत प्यारे हैं सारे। बार बार मैं कह रही हूँ कि उनके बहुत प्यारे हैं, प्राइस के लिहाज से क्वालिटी इनकी काफी अच्छी है वैसे, काफी काफी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ऑर्डर करना हुआ तो मैं बेफिक्री से ऑर्डर कर सकती हूँ ज्वेलरी का भी। उसके अलावा जी, उसके अलावा एक ये है, ये सिल्वर और फिरोजी कलर में आ जाती है, ये देखें, मेरे सूट के साथ वैसे काफी मैच कर रही है ये अभी, ये देखें, ये भी काफी अच्छी है। बाकी सारी सिल्वर है और ये स्टोन जो है ये लगा हुआ है फिरोजी कलर में। इस तरह की अगर आपको याद हो तो सलमान खान ने भी पहनी होती थी ना, उसमें भी फिरोजी कलर के स्टोन होते थे, खैर वो ऐसी नहीं थी, लेकिन फिरोजी कलर देख के मुझे वो वाली याद आ गई थी। तो एक ये है, लेकिन इसके साथ मैंने रिंग भी अलग से ऑर्डर की थी, वो भी फ्रोजी स्टोन वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी ऑर्डर कर देती हूँ ताकि इसके साथ मैच हो जाए। वो है कुछ इस तरह की, तो ये देखें दोनों मैच कर रही है ना, ये देखें जी, इस तरह से, ये भी काफी प्यारी है वैसे। ये जो है ये फ्री साइज था, इसका कोई साइज नहीं था, तो वैसे ये मेरे आ ही जाती है, मिडिल फिंगर में आ जाती है इस तरह से, और राइट हैंड पे भी आ जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं।
एक और रिंग है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रिंग मैंने टूल ऑर्डर की थी वो इस तरह की है, थोड़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में आ जाती है ना। इस तरह का नेकलेस भी था, वो मैंने नहीं ऑर्डर किया था, मुझे लगता है कि वो मैं ऑर्डर करूंगी ताकि ये भी मैच हो जाए। वो भी बहुत प्यारा था, सेम ऐसा ही उसका भी पेंडेंट था, काफी लंबा था और उसके ऊपर चेन थी, तो ये फिर मैच हो जाएंगे। इसका ये है कि ये यहाँ से एडजस्ट हो सकती है, ये देख छोटी बड़ी, लेकिन मेरी ऐसे ही आ गई थी काफी अच्छी है ना। ये भी ये वाला जो है ये मिरर नहीं है, ये कोई प्लास्टिक की चीज है जैसा कि, लेकिन अच्छा है, क्वालिटी की बुरी नहीं है। तो ये होगी जनाब टू रिंग्स। अभी मैं आपको रिंग दिखाती हूँ झुमके, ये थोड़े लंबे हैं वैसे। ये जनाब इस तरह के, ये भी 1 pound के थे और ब्लैक कलर में, और मुझे काफी अच्छे लगे थे। ये सारी चीजें जो है ना, मुझे लगता है कि ये इंग्लिश स्टाइल में ज्यादा प्यारी लगती हैं। वैसे तो देसी में जाहिर सी बातें पहनी जाएंगी, लेकिन बहुत एलिगेंट सी, काफी अच्छी हैं ये। ओवर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई है, अगर फिर भी आपको कुछ ओवर लगे तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छी लगी है, कौन सी नहीं अच्छी लगी, कौन सी ओवर है जो कि नहीं लेनी चाहिए थी। ये जो है ये इसके ऊपर स्टोन लगे हुए हैं और ये चेन लगी हुई है, काफी छोटी 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 छोटी, थोड़े से लंबे हो जाते हैं ये। ये जो है ना ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे, ये मेरी कजन ने पहने हुए थे, उसके मैंने देख के कहा कि ये बहुत प्यारे हैं, आपने कहाँ से लिए? ये देखें ग्रीन कलर में, कैसे दिखाऊं आपको, बहुत प्यारे हैं ये भी, छोटे से हैं स्टड्स और, लेकिन पहने हुए काफी अच्छे लगते हैं और डिसेंट भी काफी हैं। तो एक ये मैंने ऑर्डर किए थे और जो ये वाली है जैसे छोटी छोटी बालियां होती हैं ना वैसी हैं, लेकिन प्यारी बहुत, चुन्नू मुन्नू सी है, बहुत प्यारी लगेंगी मुझे लगता है पहनी हुई। ये देखें जी, पता नहीं ये कैसे नजर आएंगे आपको, इस तरह से छोटी हैं, बहुत बड़ी नहीं है, मुझे लगता है कि पिक्चर में ज्यादा बड़ी आ रही हैं, लेकिन इनका साइज छोटा है। तो ये भी बहुत प्यारी थी, कलरफुल सी, इसमें ब्लू और ग्रीन स्टोन है और साथ व्हाइट भी है। उसके बाद रह गई हैं पायल, वो भी मैंने ऑर्डर की थी। तो ये डबल है, एक इसमें प्लेन चेन है और एक जो है ये इसमें हार्ट वाली है। ये देखें जो हार्ट वाली है वो थोड़ी सी बड़ी है और जो प्लेन है वो थोड़ी सी छोटी है, तो इस तरह से ये जो बड़ी है ये थोड़ी सी नीचे लटकेगी, तो ये भी थोड़ी प्यारी लगेगी। इसकी क्वालिटी ठीक है, जितनी इनकी बाकी चीजें अच्छी हैं उस लिहाज से अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल ओके, क्योंकि ये 99 pence की थी। और ये हाथ में छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए हैं। इस तरह के नेकलेस भी थे उनके पास, लेकिन मैंने जस्ट यही ऑर्डर किया था। ये क्या है, मैंने तो पायल ही ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये डबल हो जाएगी। नहीं नहीं डबल ही है, बल्कि सॉरी इस तरह से है ये, मैंने सारी ऐसे ही इसको खोल लिया था, इस तरह से है, और जब इसको बंद करेंगे तो ये भी हो जाएगी डबल, कुछ इस तरह से। तो ये छोटी छोटी इसमें पेटल्स हैं और साथ इसके ये वाला है, इस तरह के सेम नेकलेस में भी होते हैं पेंडेंट छोटे छोटे। ये देखें जी, ये भी डबल ही है और ये भी काफी प्यारी है, ये भी तकरीबन 99 pence की ही थी। अभी लास्ट पायल, लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होगी, मैं कुछ और चीजें भी लाजमी लूंगी प्राइस के लिहाज से, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इनकी प्राइस जो है ना बहुत अच्छी थी। अभी आपने जितने भी ये पीसेस देखे हैं, टोटल 16 pieces है मेरे पास,
और ये 20 पाउंड के भी नहीं है, सारे 16 पीसेस, 20 से भी कम है। अगर इस लिहाज से बात की जाए तो आप मुझे बताएं कि क्या ये अच्छी नहीं है। अगर किसी आप बड़े स्टोर से, किसी अच्छे स्टोर से एक चीज़ लेने जाएं तो वो नहीं आती 20 की, 20 से ऊपर ही वो आती है। तो बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में तो। और ये है जी लास्ट पायल है ये भी, और ये ब्लैक स्टोन्स वाली हैं, और ये सिंगल। ये बाकी दो जो थी वो डबल डबल थी, और ये है सिंगल। और जी ये देखें, और बस जी यही थी मेरी आज की ज्वेलरी शॉपिंग। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा। क्या आपने कभी शीन से ऑर्डर किया था? अगर किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो लास्ट टाइम भी मैंने जब ऑर्डर किया था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, इस बार भी काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंने एक दो चीज़ें और देखी हैं जो कि बाकी जगह से तकरीबन 80-80 पाउंड की आ रही हैं, और शीन से 15 पाउंड की आ रही है। तो घर के लिए खैर, वो मेरे लिए नहीं, तो इनशाला वो भी मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं ले सकूँ तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। चीज़ें मैंने कुछ और भी ऑर्डर की हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने और क्या लिया है। तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।